अमेरिका की मारूफ साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाई जाने वाली MIT के शोबा साइंस की नई डीन एक पाकिस्तानी नयाज साइंसदान को बनाया गया। नरगस मौल वाला एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। उनकी तैनाती के ऐलान में MIT ने बताया कि उन्होंने कशिश शकल की लहरों का सुराग लगाने के बारे में नए ख्याल मुतारफ करवाने की वजह से शोहरत पाई। ये काम उन्होंने लीगो की एक अहम रुकन की हैसियत से किया। MIT के मुताबिक इन्हें मुतअद्दद अवार्ड्स और एजाजात से नवाजा जा चुका है। इस खबर पर पाकिस्तान में इन्हें बहुत सराहा जा रहा है और उनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ज्यादातर अफराद ने इस पर अपनी खुशी का इजहार किया और इस बात पर फख्र किया कि वो एक पाकिस्तानी और एक खातून है। ट्विटर सारिफ लिखते हैं कि हम पाकिस्तान के पारसियों को नरगस मौल वाला की इस नुमाया कामयाबी पर बहुत फख्र है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबक वजीर मुमलिकत एहसन इकबाल ने ट्वीट की और लिखा कि पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट नरगस मौल वाला को मुबारक हो जो MIT की स्कूल ऑफ साइंस की नई डीन नामजद हुई हैं। मुझे 2016 में अपने MIT अमेरिका के दौरे में उनसे मिलने का मौका मिला था। वो एक गैर मामूली साइंसदान हैं। MIT के मुताबिक नरगस मौल वाला पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुई। उनकी परवरिश कराची में हुई। वो बचपन ही से मैकेनिक्स में दिलचस्पी रखती थी और साइकिल की मुरम्मत में मगन रहती थी। कम उम्र में ही वो मैथ और फिजिक्स की तरफ खींची चली गईं। उनके वालदैन ने उन्हें आला तालीम के लिए बैरून मुल्क कॉलेजों में दाखिलों का कहा। वेल्सली कॉलेज से फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बैचलर्स की डिग्री हासिल करने के बाद 1990 में वो फिजिक्स में PhD के लिए MIT गईं, जहां उनके एडवाइजर रेज वॉइस थे। रेज वॉइस कशिश शकल की लहरों का सुराग लगाने के लिए एक आले पर काम कर रहे थे और मौल वाल ने इसे बनाने में उनकी मावनत की और यही उनकी PhD का हिस्सा भी बना। सन 2017 में रीज वॉइस को इस काम पर फिजिक्स का नोबेल इनाम मिला था। नरगस मौल वाला ने अपनी इस तैनाती के बारे में कहा है कि MIT दुनिया में जदीद तरीन साइंस के लिए अहम जगहों में से एक है और ये रुतबा बरकरार रहेगा। साथ साथ हमें तनाव, नस्ली और समाजी मसावात के लिए कोशिश करनी है। MIT का नरगस मौल वाला के हालात जिंदगी के बारे में कहना था कि मौल वाला को मुतअद्दद अवार्ड्स और एजाजात से नवाजा गया है, जिनमें 2010 में मिक आर्थर फेलोशिप, 2014 के लिए इन्हें एक इदारे की जानिब से LGBTQ+ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर करार दिया गया, 2015 में बुनियादी फिजिक्स में अहम पेशरफ्त पर अवार्ड्स, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए मुंतखब होने का एजाज और ITU पाकिस्तान की जानिब से लाहौर टेक्नोलॉजी अवार्ड भी शामिल हैं। असद गफूर ने MIT के ऐलान वाली ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि एक पाकिस्तानी खातून फिजिस्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन साइंस यूनिवर्सिटी की सरबराह, इससे बेहतर और कुछ नहीं। ब्राइट स्टार TV पाकिस्तान।